खोराबार थाने की पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को फुर्सतपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गौतम पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान निवासी जंगल चौरी पांडे टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, दूसरा अभिषेक गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता निवासी जंगल चौरी केवटाना टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट के 3 मोबाइल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 8 नवंबर को नीरज सिंह पुत्र कमलेश कुमार सिंह ग्राम सोमली वैरोना पोस्ट सोमली जिला कुशीनगर अपने घर से रूम पर रामवरण चौक जा रहे थे, जब नीरज सिंह लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गेट से 20 से 30 मीटर आगे पहुंचे तो बाइक सवार दो व्यक्ति अचानक आ पहुंचे और नीरज सिंह के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए, जिसके संबंध में खोराबार थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक गजेंद्र बहादुर सिंह, कांस्टेबल पिंटू प्रसाद, प्रदीप चौधरी, सुभाष यादव, कालीचरण शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में 1 नवंबर माह में 8 नवंबर को लिटिल फ्लावर स्कूल लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक के बाहर एक व्यक्ति जा रहा था, उससे दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने छिनैती की थी। उस छिनैती के बाद में तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं लोगों का आइडेंटिफिकेशन के बाद में कुछ लोगों को वांछित किया गया था। थाना खोराबार पुलिस द्वारा गौतम पासवान और अभिषेक गुप्ता इन दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं एवं इनके पूर्व में इस प्रकार का कोई मुकदमा अभियोग में पंजीकृत नहीं है जो लूट का हो, लेकिन मारपीट के इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। एक नाबालिग लड़का भी इस केस में प्रकाश में आया है, उसकी भी उसके खिलाफ उसको भी गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू।